हेलो गाइस, तो हम आज बताने वाले हैं ऑल एक्सेसरीज नेम और उनके उपयोग, क्या उपयोग है बोर्ड में, क्या क्या लगता है, उन सब के आज उपयोग बताएंगे हम। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा इंडिकेटर। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, ये पीछे की तरफ, एक में दिया जाता है फेस और एक में दिया जाता है न्यूट्रल। तो ये ब्लो करता है, ये डायरेक्टली इसके कनेक्शन होते हैं, सीधे सप्लाई से हमारा आता है, सीधे इसी में फेज न्यूट्रल दिया जाता है। तो ये हो गया इंडिकेटर। अब ये हम लेते हैं, ये है स्विच, जो कि बल्ब ऑन ऑफ करने के काम में आता है। इसमें भी दो टर्मिनल होते हैं, इसका एक पॉइंट स्विच से और एक पॉइंट सप्लाई से जोड़ देते हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट जुड़ता है इसमें। और ये है हमारा सॉकेट, इसे 5-पिन सॉकेट कहते हैं। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं पीछे, जिसमें एक न्यूट्रल, एक फेस और एक अर्थिंग का वायर होता है। ये ऊपर का है जो अर्थिंग का टर्मिनल होता है, ये फेस न्यूट्रल होता है। इसमें किसी में फेस किसी में कुछ करते हो, उससे मतलब नहीं है। ये है हमारा मल्टी प्लग, इसे कहते हैं मल्टी प्लग, जो कि ये 3 प्लग अपने आप में करता है। और ये आगे वाला जो इसके टर्मिनल हैं, ये सीधे तुम सॉकेट में लगा सकते हो आप, इसमें 3 प्लग की सप्लाई मिल सकती है आपके लिए, तो इसे कहते हैं मल्टी प्लग। इसे मैं रख देता हूँ। अब बारी है इसको, तो इसे कहते हैं 2-पिन टॉप। तो ये इसमें 2 पिन होती हैं, इसे किसी भी प्रेस वगैरह में यूज कर सकते हो। ये है हमारा होल्डर, बल्ब होल्डर, इसमें भी 2 टर्मिनल होते हैं और ये बल्ब जलाने के लिए लगाया जाता है। इसमें बल्ब लगा दो जो जल रहा है। ये हमारा गाइस 3-पिन टॉप, ये जो प्रेस में, कूलर में वगैरह में लगाया जाता है। इसमें ये दोनों फेस न्यूट्रल और ऊपर वाला जो वायर है वो अर्थिंग का होता है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, ये ज़्यादातर इन्वर्टर में भी लगता है ऊपर की तरफ। ये है गाइस कट आउट, इसे किट कैट भी कहते हैं, वैसे कट आउट कहते हैं हमारी भाषा में। तो ये सप्लाई, मेन सप्लाई पे लगाया जाता है, जो खंभे से हमारे यहाँ आती है घर में, तो उसमें मेन सप्लाई पे ये लगाया जाता है। और ये गाइस, ये मैं बता दूँ आपके लिए, इसका नाम है रेगुलेटर। कोई रोटरी बटन कहता है, कोई कुछ कहता है, पर इसका असली नाम है रेगुलेटर। ये पंखे को रेस कम या ज़्यादा करने के काम में आता है। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, तो ये इस तरीका है। और ये है हमारी MCB, जो कटआउट के बाद लगाई जाती है गाइस। इससे अंदर कोई फॉल्ट होता है तो ये ट्रिप हो जाती है, इसके कटआउट के बाद लगाई जाती है। और इसमें कोई फॉल्ट अंदर होगा आपके, तो ये अपने आप नीचे गिर जाती है और सप्लाई हो जाती है बंद। सो गाइस, आज के ये X-सीरीज थी जो मैंने आपको बताया इसके बारे में। तो सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो गाइस, इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, उसमें मैं हाउस वायरिंग की पूरी डिटेल आपको बताऊँगा। सो गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हेलो गाइस, तो हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करते हैं और शेयर जरूर कर दें वीडियो को, क्योंकि हमारी एक आपके एक शेयर से हमारा बहुत मोटिवेशन बताया। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।